हाल में ही आप लोगों ने देखा होगा कि नीति आयोग ने विजन 2035 यानी कि विजन 2035 जारी किया हुआ है। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। और वह जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि नीति आयोग आपका योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया हुआ था। कब आया हुआ था ये आया हुआ था आपका 1 जनवरी 2015 को, याद रखिए 1 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री साहब। अभी आपके नरेंद्र मोदी साहब हैं तो अभी वो हैं, आगे चल के जो भी आएंगे वो भी बनेंगे। अगर योजना आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, ठीक है, और इसे ही प्रतिस्थापित करके आपका आया हुआ है नीति आयोग। इस आर्टिकल को देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में नीति आयोग ने विजन 2035 यानी कि 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया है, जिसका उद्देश्य भारत में जन स्वास्थ्य की निगरानी बढ़ाने के लिए एक विजन दस्तावेज प्रस्तुत करना है और भारत को इस क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान प्राप्त करने में मदद करना है। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि विजन 2035 किससे जुड़ा हुआ है, एक तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। किसके द्वारा जारी किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। श्वेत पत्र एक प्रकार का सूचनात्मक दस्तावेज होता है जो प्रयास किसी कंपनी या गैर लाभकारी संगठन द्वारा किसी विशिष्ट समाधान उत्पाद या सेवा की विशेषताओं को बढ़ावा देने अथवा उन्हें रेखांकित करने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। अगर इसके कुछ कुछ बिंदु भी देख लेते हैं, पृष्ठभूमि की बात करें तो नीति आयोग का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को रणनीतिक दिशा निर्देश प्रदान करना है और इसी उद्देश्य के अनुरूप नीति आयोग हेल्थ वर्टिकल ने नवंबर 2019 में न्यू इंडिया के लिए स्वास्थ्य प्रणाली बिल्डिंग ब्लॉक्स सुधार के संभावित तरीकों शीर्षक से संकलित 4 कार्यपत्र भी जारी किए थे। ये 2019 की बात है। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया नया श्वेत पत्र भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में अगला कदम होगा। अगर श्वेत पत्र के बारे में हम लोग बात करें तो यह श्वेत पत्र नीति आयोग के हेल्थ वर्टिकल और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा कनाडा का एक संयुक्त प्रयास है जिसमें भारत सरकार, राज्यों की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की तकनीकी विशेषज्ञों का योगदान इसमें शामिल है। एक तरह से इसे जारी किया गया है, सभी की इनकी मिलीभगत है, सभी का सहयोग है। यह श्वेत पत्र त्रिस्तरीय प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जन स्वास्थ्य व्यवस्था को आयुष्मान भारत में शामिल करते हुए जन स्वास्थ्य निगरानी के लिए भारत का विजन प्रस्तुत करता है। यह श्वेत पत्र व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड को निगरानी का आधार बनाकर देश में जन स्वास्थ्य निगरानी के लिए एक तरीका प्रस्तुत करता है। वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने हमेशा बोला है कि हमारे देश में आप समझिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था या तो इतनी सस्ती हो जानी चाहिए कि हर कोई इसे खरीद सके, क्रय कर सके, या फिर आप सोचिए कि इसे फ्री हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी आप देखते होंगे कि सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है आपके देश में, और दूसरी तरफ आप हॉस्पिटल की देखिए, सरकारी जो भी इस तरह के चिकित्सालय हैं उनकी स्थिति देखिए। गरीब आपने देखा होगा कि सरकारी हॉस्पिटल में जाने से बेहतर घर में मरना पसंद करता है, तो उसके भी ध्यान रखा जाए। आपने देखा है आयुष्मान भारत योजना आई हुई थी, उसके तहत आप लोग एक परिवार 5 लाख तक का फायदा ले सकता है। एक परिवार है, उसमें कोई एक मेंबर का नहीं है, एक पूरा परिवार, ठीक है, उस परिवार में कितने मेंबर है ये मायने नहीं रखता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सभी को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए, और यही आप आत्मसम्मान की बात करने लगते हैं, यही आप अपने अधिकारों की बात करने लगते हैं। समझ रहे हैं कि मतलब आप सोचिए कि अगर अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि आपके यहाँ के कोई अगर विधायक साहब या फिर आपके कोई बड़े आदमी जो भी आर्थिक स्थिति ठीक है उसे कोरोना हुआ तो वो वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए या तो राजधानी गया हुआ है या आप समझिए वीआईपी हॉस्पिटल में गया हुआ है। और आप लोगों की स्थिति क्या रही है ये आप लोग जानते हैं बेहतर। इसकी मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो यह गैर संचारी रोगों की रोकथाम, पहचान और नियंत्रण से संबंधित प्रयासों को मजबूती प्रदान करने और स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले आम लोगों और परिवारों को खर्च को कम करने की दिशा में कार्य करेगा। यह एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म जैसी पहलों को और आगे बढ़ाएगा। यह दस्तावेज राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2015 और नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट में उल्लिखित नागरिक केंद्रित अवधारणा के अनुरूप है। यह आंकड़ों के परिग्रहण और विश्लेषण के लिए मोबाइल फोन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और
पॉइंट ऑफ केयर डिवाइस के उपयोग को प्रोत्साहित करता है और यह जन स्वास्थ्य निगरानी में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए निदानिक प्रतिष्ठान पंजीकरण और विनियमन अधिनियम 2010 जैसी पहलों के संबंध में पूंजीकरण के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह श्वेत पत्र नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और अन्य शैक्षिक संस्थानों के समन्वित प्रयास के महत्व को इंगित भी करता है। विजन की बात करें तो भारत की जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को अधिक प्रतिक्रियाशील और भविष्योन्मुखी बनाकर प्रत्येक सतत पर कार्रवाई के लिए तैयार करना है। फीडबैक तंत्र के साथ नागरिक अनुकूल जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली विकसित कर व्यक्ति की निजता और गोपनीयता को सुनिश्चित करना है। केंद्र और राज्यों के बीच रोग की पहचान, बचाव और नियंत्रण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए डेटा साझाकरण तंत्र में सुधार करना भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जन स्वास्थ्य आपदाओं के प्रबंधन हेतु क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदान करना है। जन स्वास्थ्य निगरानी की बात करेंगे हम लोग तो जन स्वास्थ्य निगरानी का आशय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रथाओं के नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन हेतु आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी डेटा के व्यवस्थित संग्रहण, विश्लेषण और विवेचन से है। इस तरह यह निगरानी का अभिप्राय कार्यवाही के लिए सूचना जोड़ना, संग्रहण यानी कि इकट्ठी करना है। इसके क्षेत्र में अगर चुनौतियों की बात करें, चुनौतियां क्या क्या हैं, क्योंकि आपने देखा है कुछ भी होता है तो उसमें दो, एक तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, उसी तरह हर काम के भी होते हैं। इसी तरह डेटा संग्रहण और साझाकरण, लगभग सभी स्तरों पर अलग अलग तरीके से डेटा एकत्रित किया जाता है और इनके बीच डेटा साझाकरण हेतु कोई तंत्र भी नहीं है। उदाहरण के लिए ऐसी कोई भी एकल प्रणाली नहीं है जहां राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय टीवी उन्मूलन कार्यक्रम आदि जैसे लक्षित कार्यक्रमों द्वारा उत्पन्न डेटा को एक साथ एक स्थान पर प्राप्त किया जा सके, तो ऐसे कोई तंत्र की आवश्यकता होगी। डेटा की खराब गुणवत्ता, भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्पन्न डेटा काफी निम्न गुणवत्ता का होता है जिसके कारण देश की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य नीतियों से संबंधित मुद्दों का हल खोजने के लिए इस डेटा का उपयोग केवल सीमित स्तर तक ही किया जा सकता है। फिर आपका मानव संसाधन की कमी, मानव संसाधन की कमी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। राज्य और जिला स्तर पर जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली में तकरीबन 42% रिक्तियां यानी कि पद मौजूद खाली, मतलब खाली डले हुए हैं। केंद्रीय निगरानी इकाइयों के अधिकांश पद या तो प्रतिनियुक्ति या फिर अनुबंध के माध्यम से भरे जाते हैं, साथ ही उन्हें कई अधिक अतिरिक्त दायित्व भी दिए जाते हैं जिसके कारण वे अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, यानी कि अपना कर्तव्य नहीं निभा पाते हैं। और अधिकतर मामले में आप देख रहे होंगे देश का कोई अधिकारी है, सरकारी हॉस्पिटलों की मैं बता रहा हूं और सरकारी स्कूलों की हालत सुधर सकती है। इसका उदाहरण आप दिल्ली में देख सकते हैं, अगर अपने कर्तव्य से आप अगर पूरी तरह से निभाते हैं तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में जो भी टीचर रहते हैं उनके क्या कर्तव्य है उन्हें खुद मालूम नहीं रहता है, समझ रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटलों के क्या, डॉक्टरों के क्या कर्तव्य है उन्हें खुद मालूम नहीं है, समझ रहे हैं। तो वही चल रहा है। एपिडेमिक इंटेलिजेंस का अभाव, भारत के पास महामारी और इससे संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों की पर्याप्त संख्या मौजूद नहीं है। एपिडेमिक इंटेलिजेंस को संभावित स्वास्थ्य खतरों की सीख पहचान, उनके सत्यापन, मूल्यांकन और जांच से संबंधित सभी गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ताकि उस संभावित खतरे को नियंत्रित करने के लिए जल्द से जल्द सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की सिफारिश की जा सके। फिर आपका व्यवसायिक स्वास्थ्य निगरानी का अभाव, इस प्रकार की स्वास्थ्य निगरानी लेड, विषाक्तता और सिलिकोसिस रोग आदि से संबंधित है। व्यवसायिक स्वास्थ्य निगरानी अभी तक भारत की जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली में प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं कर सकी है। अन्य उभरती हुई चुनौतियों की बात करें तो बढ़ता रोगाणुरोधी प्रतिरोध, नए संक्रामक रोग और गैर संचारी रोगों की बढ़ती दर आदि में कि भारत की जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली के लिए कुछ अन्य उभरती हुई चुनौती है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध का तब उत्पन्न होता है जब बैक्टीरिया और कवक जैसे जो रोगाणुओं को मारने हेतु निर्मित दवाइयों के विरुद्ध बैक्टीरिया एवं कवक अपनी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कर लेते हैं। एक तरह से प्रतिरोधक क्षमता का कहने का मतलब यही है कि आप समझिए कि आपने स्वेटर ली हुई है पहले वाली ठंड को देखते हुए और ठंड इस बार ज्यादा पड़ जाए यानी कि ज्यादा शक्तिशाली हो जाए तो वो आप पर हावी हो जाएगा, तो यही आपके अंदर की प्रतिरोधक क्षमता होती है। आप समझिए सामने वाला अगर जब तक, मतलब आप सोचिए कि कमजोर है
और आपकी प्रतिरोधक क्षमता उच्च है, तब तक आपको कुछ नुकसान नहीं हो सकता है। जैसे ही सामने वाले की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और आपकी घट जाती है, वो हावी हो जाता है। कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, इन्हें भी देख लीजिए। जन स्वास्थ्य निगरानी गतिविधियों के लिए समर्पित एक कौशल और मजबूत स्वास्थ्य कार्यबल का निर्माण किया जाए। गैर संचारी रोगों, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य तथा व्यवसायिक एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य आदि का जन स्वास्थ्य निगरानी में एकीकरण किया जाना चाहिए। वन हेल्थ मॉडल को अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें पर्यावरण स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य का सामूहिक रूप से संरक्षण किया जा सके। और याद रखिए, पर्यावरण स्वास्थ्य को भी इसमें लिया जा रहा है, समझ रहे हैं आपको। आधुनिक नैदानिक प्रौद्योगिकी के साथ भारत की प्रयोगशाला क्षमताओं को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। और आपने इसमें महामारी में बहुत कुछ उजागर भी हुआ है, हमारे हॉस्पिटलों की क्या हालत है उसे भी काफी उजागर किया हुआ है, हमारी सरकार की क्या तैयारी रहती है उसे भी उजागर किया हुआ है। तो आप समझिए, अब आएगी कोई भी अगर इस तरह के वायरस आता है, इस तरह की बीमारी आती है, महामारी आती है, तो अब बेहतर तरीके से हम लोग निपट पाएंगे, क्योंकि हम लोग इसके प्रति जागरूक ही नहीं थे। आपने होगा चाइना में देख रहे होंगे, जब चाइना में फैला हुआ था, बाकी देशों में फैल रहा था, तब हम लोग एक तरह से सो रहे थे, हम हंस रहे थे। तभी अगर हम जागरूक हो जाते हो, इसके प्रति सचेत एक तरह से हो जाते और व्यवस्थाएं इकट्ठी कर लेते, तो काफी अच्छे तरीके से निपटा जा सकता था। एक ऐसे शासन ढांचे को स्थापित किए जाने की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर राजनीतिक, नीतिगत और तकनीकी और प्रबंधनीय नेतृत्व को सम्मिलित कर सके। गैर संचारी रोगों की निगरानी और नागरिक केंद्रित तथा समुदाय आधारित निगरानी में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। ऐसे रोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है जिन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उन्मूलन के लिए लक्षित किया जा सकता है। डेटा साझाकरण, प्रग्रहण, विश्लेषण और प्रसारण आदि को व्यवस्थित तरीके करने के लिए तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। और निगरानी गतिविधि में प्रत्येक स्तर पर नवाचार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसमें आगे की राय क्या हो सकती है? तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत ने निगरानी प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में अच्छी प्रगति हासिल की है। और नीति आयोग द्वारा जारी इस श्वेत पत्र को के कार्यान्वयन से भारत जन स्वास्थ्य निगरानी के क्षेत्र में एक क्षेत्रीय वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर सकता है। और इस विजन दस्तावेज के मूल तत्वों में केंद्र तथा राज्यों के बीच परस्पर निर्भर शासन प्रणाली और एक नया डेटा साझाकरण तंत्र आदि शामिल होता है। आप समझिए कि एक तरह से आप समझ जानते हैं ना कि पति पत्नी होते हैं गाड़ी के दो पहिए, इसी तरह आप समझिए कि राज्य और केंद्र के बीच संबंध भी होते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। अगर आप सोचिए इस महामारी में भी अगर केंद्र और राज्य के बीच अच्छे संबंध होते, कई राज्यों में आपने देखा है खटास भी रही है, तो और बेहतर तरीके से निपटा जा सकता था, इतने लोगों की जान भी ना जाती, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन आपने देखा है कि काफी लोग इससे अपनी जान भी गंवानी पड़ी हुई है, और ये केवल लापरवाही के कारण। इससे बेहतर तरीके से निपटा जा सकता था। लॉकडाउन में आपने देखा है किस तरह से लगा दिया गया है, लॉकडाउन लगाना अच्छी बात थी, लेकिन किस तरीके से लगाया गया ये मायने रखता है। चलिए खैर छोड़िए, तो इसे याद रखिए, नीति आयोग ने जारी किया है विजन 2035।